एक बार की बात है, शांतिपुर नाम का एक गांव था और इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन गांव का नाम शांतिपुर होने से भी यहां के लोगों का मन में बिल्कुल भी शांति नहीं था, क्योंकि ये गांव की रास्ते के बीच में एक पेड़ के ऊपर एक मछली खाने वाला भूत रहता था और ये भूत बहुत ही शरारती था और गांव वालों को बहुत परेशान करता था। एक दिन लालू नाम के एक आदमी अपने तालाब में मछली पकड़कर उस गांव की रास्ते से जा रहा था और कह रहा था कि आज मैं तालाब से मैं बहुत मछली पकड़ा हूँ और बाजार में आज मछली का भाव बहुत ही ज्यादा है, आज मुझे मछली बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। ये कहते हुए लालू हंसते हंसते उस पेड़ के नीचे से जाने ही वाला था, तभी मछली खाने वाला भूत उसका रास्ता रोक कर सामने खड़ा कर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या रे मछली लेकर बाजार में जा रहा है क्या? लालू ने मन ही मन में बड़बड़ाने लगा, आज मेरा बाजार जाना हो गया, लगता है मछली खाने वाला भूत सभी मछली को आज खा जाएगा। लालू ने भूत को कहा, हाँ जी, आज बहुत ही मुश्किल से तालाब से मछली पकड़ा हूँ और बाजार लेकर जा रहा हूँ बेचने के लिए, मेरा रास्ता छोड़ दो ना भूत जी। भूत ने हंसते हंसते कहा, मैं तुझे इतना आसानी से कैसे जाने दूं? तुझे पता है मैं बहुत दिनों से मछली नहीं खाया हूँ। अरे मछली का खुशबू से मेरा पेट के अंदर कैसा कैसा कर रहा है रे। लालू ने मन ही मन में बीट बिड़ाने लगा, ये तो मुझे जाने नहीं देगा, अब क्या होगा? लालू ने भूत को कहा, भूत जी, पहले मैं मछली लेकर बाजार में जाता हूँ और जो मछली नहीं बिकेगा वह सारे मछली में घर जाते वक्त तुमको देकर जाऊंगा। भूत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मुझे इंसानों पर कोई विश्वास नहीं होता, समझा? तब लालू ने कहा, अब क्या करूं, भूत जी मेरा टोकरी से एक मछली ले लो, उसके बाद मुझे जाने दो, ठीक है? भूत ने सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पहले एक मछली खाकर देखता हूँ। उसके बाद भूत ने एक मछली खा लिया। लालू ने कहा, भूत जी अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? भूत ने कहा, नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, मुझे और एक मछली खिलाना पड़ेगा, एक मछली में मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और एक मछली दे। लालू ने मन ही मन में बीट बिड़ाने हुए कहा, अरे बाबा, ये कैसा मुसीबत में पड़ गया हो, अब तो मेरा सब मछली खा लेगा लगता है। लालू ने भूत को कहा, ठीक है, लेकिन यही आखिरी बार, उसके बाद छोड़ देना। भूत ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अभी तू शांति से खड़ा रह। ये कह के मछली खाने वाला भूत लालू की टोकरी से एक एक करके सभी मछली खा लिया। लालू ने कहने लगा, अरे अरे अरे, एक एक करके तुमने सारे टोकरी का मछली खा लिया, अभी मैं बाजार में क्या लेकर जाऊंगा और मैं क्या बेचूंगा। सारे मछली खाकर भूत ने हंसते हंसते कहा, अरे बाबा मुझे बुरा मत समझना, मैं अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर पाया, जा जा जा, अब अच्छा अच्छे बच्चे की तरह घर में लौट जा। लालू ने मन ही मन में सोचा, सारा मछली खाने वाला भूत, एक बार मौका मिलते ही तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ये सोचकर लालू ने खाली टोकरी अपने हाथ में लेकर अपने घर वापस लौट गया। कुछ दिन बाद शांतिपुर की ओर एक आदमी फल लेकर उसी रास्ते से बाजार जा रहा था फल बेचने के लिए। वह आदमी ये कहते हुए जा रहा था कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है, उस रास्ते में तो मछली खाने वाला भूत रहता है और बाजार जाने के लिए वही एक रास्ता है, मछली खाने वाला भूत आज कहीं परेशान न करे तो ही अच्छा, कैसे भी करके ये जगह पार हो गया तो बच जाऊंगा। जैसे ही वह आदमी उस पेड़ के नीचे आया, तभी वह मछली खाने वाला भूत उस आदमी के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, रुक रुक रुक, टोपरी में क्या लेकर जा रहा है? वह आदमी ने कहा, फल लेकर जा रहा हूँ, तुम तो सिर्फ मछली खाते हो, मछली के सिवा तुम तो और कुछ भी नहीं खाते हो। भूत ने कहा, कौन बोला है तुझे मैं सिर्फ मछली ही खाता हूँ, अगर मछली के साथ साथ दूसरा कुछ नहीं खाया तो शरीर में विटामिन कमी पड़ जाएगी, तुझे पता नहीं क्या, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है विटामिन के कमी के वजह से मेरा शरीर कैसे दुबला पतला हो गया। वह आदमी बड़बड़ाते हुए कहा, ओरे बाबा, आज लगता है मेरा फल की 12 बजने वाला है। वह आदमी भूत से कहा, भूत जी मेरा सारे फल बहुत ही खट्टा है, मैं तुमको कल अच्छा अच्छा मीठा फल लेकर दूंगा, ठीक है मैं जाता हूँ। भूत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सब झूठ, तुम लोग हर वक्त झूठ बोलते हो, तू भी झूठ बोल रहा है, मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं।
हे, चुपचाप वहीं पर खड़ा रह। उसके बाद मछली खाने वाला भूत एक एक करके उस आदमी की टोकरी का सारे फल खा लिया और कहा, तेरा फल तो बहुत मीठा था, लेकिन तू मुझे झूठ क्यों बोला? अब तेरा गर्दन तोड़ दूं क्या? वह आदमी ने कहा, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो भूत जी। भूत ने कहा, जा छोड़ दिया तुम लोगों को, अगर मैं मार दिया तो मेरा ही नुकसान है और मेरा खाना की कमी पड़ जाएगा। जा जा, अपने घर में लौट जा। ये कहते हुए वह आदमी ने भी खाली टोकरी लेकर अपने घर वापस लौट आए। एक दिन मछली खाने वाला भूत पेड़ पर बैठकर आराम कर रहा था और तभी और एक भूत वहां चला आया। वह दूसरा भूत ने कहने लगा, बहुत ढूंढने पर एक अच्छा जगह मिला, मेरे रहने के लिए यह पेड़ एकदम सही है और इसी रास्ते से गांव की लोग सब्जी फल मछली लेकर जब जाएगा तभी मैं उन लोगों को डराकर उनका सब कुछ खा जाऊंगा। तभी मछली खाने वाला भूत ने कहा, कौन है रे तू? तुझे दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पर हूँ और ये पेड़ मेरा घर है, मैं तुझे यहाँ रहे नहीं दूंगा। अगर बचने की इच्छा है तो यहाँ से अभी के अभी भाग जा, नहीं तो तेरा नसीब में बहुत दुहक है। दूसरा भूत ने कहा, तेरे कहने से हो जाएगा, मैं तेरी कुछ भी नहीं सुनूंगा, आज से मैं यही रहूंगा, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू यहाँ से चला जा। मछली खाने वाला भूत ने कहा, अरे 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 बाबा, ये तेरा मामू का घर लगता है क्या? बोलेगा वही होगा, मैं अच्छा से बोल रहा हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दूसरा भूत ने कहा, तू भूल मत, मैं भी एक भूत हूँ और मैं तुझसे कम नहीं हूँ। ये कहकर दोनों भूतों में बहुत बहस होने लगा। तभी लालू वही रास्ते से गुजर रहा था। दोनों भूत की झगड़ा सुनकर लालू वही रुक गया और सोचा कि आज मौका मिला भूतों को सबक सिखाने की। तभी लालू ने कहा, क्या हुआ भूत जी, किसको लेकर तुम दोनों में बहस हो रहा है? मछली खाने वाला भूत ने कहा, देख ना लालू, मैं इतना दिनों से इस पेड़ में रह रहा हूँ और ये कहीं से आकर मुझे बोल रहा, हे तू यहाँ से चला जा, मैं यहाँ रहूंगा। लालू ने कहा, तो आपस में झगड़ा ना करके एक प्रतियोगिता करो, मतलब जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही इस जगह पर रहेगा और जो इस प्रतियोगिता में हार जाएगा वह इस जगह से चला जाएगा। अब तुम दोनों बोलो, इस प्रतियोगिता में राजी हो या नहीं? मछली खाने वाला भूत ने कहा, हाँ मैं राजी हूँ। और दूसरा भूत ने भी कहा, हाँ मैं भी राजी हूँ। अब तुम दोनों ये प्रतियोगिता के बारे सुन लो, तुम दोनों में जो हमें ज्यादा खुश करेंगे प्रतियोगिता में जीत उसी का होगा, क्या तुम दोनों मुझे खुश कर सकते हो? मछली खाने वाला भूत ने कहा, अरे ये बात है, मैं तुझे इतना खुश करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। उसके बाद मछली खाने वाला भूत लालू को एक मटकी सोने का मोहर दिया और कहा, ये ले सोने का मोहर, अब तो तू खुश है ना? लालू ने कहा, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब दूसरे भूत जी की बारी है। तब दूसरा भूत ने कहा, अभी मैं तुझे खुश करता हूँ, रुक। ये कहकर दूसरा भूत ने और भी ज्यादा सोने का मोहर दिया। अब बता तू किसके ऊपर ज्यादा खुश है, मैं तो तुझे उससे ज्यादा सोने की मोहर दिया। मछली खाने वाला भूत ने कहा, रुक मैं तुझे और भी सोने का मोहर देता हूँ। ये कहते हुए मछली खाने वाला भूत लालू को और भी ज्यादा सोने का मोहर दिया और कहा कि, अरे अब तो खुश है ना? उसके बाद दूसरा भूत भी लालू को उससे ज्यादा मोहर दिया। दोनों भूत मिलकर लालू को मोहर देने की प्रतियोगिता शुरू किया। इतना सोने की मोहर देखकर लालू को चक्कर आने लगा और मन ही मन में सोचा, देखा कैसे तुम दोनों को मूर्ख बनाकर इतना सोने की मोहर ले लिया, अब तुम दोनों यहां से भागने की बंदोबस्त करता हूं। लालू ने कहा, सुनो मैं तुम दोनों से ही समान रूप में बहुत खुश हूँ। मछली खाने वाला भूत ने कहा, इससे तो हम दोनों में से कोई भी नहीं हारा, फिर क्या होगा? लालू ने मन ही मन में सोचा, अब तुम दोनों को मरना होगा, रुक अभी दिखता हूँ। ये सोचते हुए कहा, सुनो अब तुम दोनों का एक नया प्रतियोगिता होगा, जो पहले आसमान को छुएगा उसी का ही जीत होगा, तुम दोनों इस प्रतियोगिता से राजी हो? मछली खाने वाला भूत ने कहा, हाँ मैं राजी हूँ, मैं सबसे पहले आसमान को छूऊंगा। तभी दूसरा भूत ने कहा, तो कहने से हो जाएगा, मैं सबसे पहले आसमान को छूऊंगा। तब लालू ने कहा, फिर देर किस बात की तुम दोनों अभी का, अभी आसमान छूने का प्रतियोगिता शुरू कर दो। ये कहते ही वह दोनों आसमान छूने की प्रतियोगिता शुरू कर दिया।
उसके बाद लालू हंसते हुए कहा, मूर्ख भूत देखा, मैं कैसे तुम दोनों को मूर्ख बनाया। अब तुम दोनों पूरी जिंदगी में भी आसमान को छू नहीं सकते। अब मैं ये सारा सोने की मोहर गांव के लोगों को बांट दूंगा। मछली खाने वाला भूत ने गांव की बहुत लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन आज से गांव वालों का दुख का दिन खत्म। अब से गांव में सिर्फ शांति और शांति ही रहेगा।